الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار एक से दो वाकया मैं सुनाऊंगा, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी और एक छोटा सा सलाम मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم علماء کرام خصوصا ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا وقاری وسیع اختر صاحب استاد دارالعلوم انکلیشور اور ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی اور دوست حافظ وقاری شاہد صاحب جو سرخی سے تشریف لائے اور ہمارے مشفق اور مربی حضرت مولانا عبداللہ صاحب محتمیم بلیٹھا مدرسہ اور اسی طریقے سے ہمارے خسر صاحب اور سامعین اور پردہ نشین میری ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جلسہ تو پورا ہو گیا باتیں بھی سب آ گئی الحمدللہ چونکہ میں مدرسے کی تعریف اس لیے نہیں کروں گا کہ میں خود پڑھاتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ بھائی اپنی دہی چاہے کھٹی ہو چاہے جیسی ہو میٹھی ہی بتائیں گے جو حقیقت تھی وہ ہمارے قاری صاحب نے اور حافظ صاحب نے بتا دیا اور آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ جب سے یہاں مدرسہ قائم ہوا ہے اس مدرسے کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ خود محسوس کر رہے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کے باوجود بھی 70 سے 80 بچے پڑھ رہے تھے اور پڑھ رہے ہیں یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مدرسے کو قبول فرما لیا ہے کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوتاہی ہوئی ہوں گی تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کوتاہیوں کو معاف کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ الحمدللہ آج مدرسے کا سال پورا ہوا امتحان بھی گزشتہ کل ہو گیا الحمدللہ بچے اچھے نمبرات سے پاس بھی ہوئے ہیں اللہ کا احسان ہے اور انشاءاللہ چھٹی کل سے نہیں ہوگی
अभी एक महीने तक मदरसा चलेगा। 12 अप्रैल को इंशाल्लाह बच्चों को जनरल इनाम भी दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इनाम भी हम लाए हैं, रिजल्ट भी दिया जाएगा और छुट्टी भी दी जाएगी, जिससे डबल खुशी होगी बच्चों को। और हर साल मई जून में रमजान पड़ता था तो 20 अप्रैल से या 12 अप्रैल से छुट्टी 20 दिन का हम देते थे, फिर रमजान के अंदर ईद की 10 दिन छुट्टी देते थे। तो इस बार एक साथ में हमने एक महीने की छुट्टी दे दी है, यानी रमजान से अभी मदरसा चालू रहेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी ये चीज कि ये बच्चे जो आपके छोटे बड़े, इनके अंदर इतना बेहतरीन टैलेंट है जिसको आप नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए नहीं समझते हैं कि बेचारा बाप जो है इन बच्चों की पेट के खातिर, दुनिया के खातिर सुबह में बिल्कुल फजर में निकलता है और बेचारा रात को कोई 9 बजे कोई 10 बजे आता है, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस बेचारे बाप को कुछ पता नहीं चलता। बहुत कम है जो मालूम कर पाते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आपके? तो इन बच्चों की जिम्मेदारी सबसे पहले मां की है। मां बहनें सुन रही हैं, जरा तवज्जो से सुने, इसलिए कि मां का जो गोद होता है वो सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल है। वहीं से बच्चा जो है अच्छा बनता है या खराब बनता है, इसका एक छोटा सा एक मिसाल और एक वाकया मैं बयान करूं। और मां बहने से खास गुजारिश है कि वो ध्यान से सुने कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है और अल्लाह वालों की माओ ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की, तो वो जाके जुनेद और बगदादी और बायजीद और अल्लाह के वली बने। आज इस जमाने में अल्लाह का वली पैदा क्यों नहीं होता है? वजह यह है कि मां की तरबियत सही नहीं है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, के एक साथ में वो अल्लाह के वली भी थे और इस हिंदुस्तान के देहली सल्तनत के बादशाह भी थे। दोनों चीज था, लेकिन माँ ने इस बच्चे की तरबियत कैसे की जरा सोचिए। जब बच्चा पैदा हुआ और कुछ शऊर वाला हो गया, मदरसा जाने वाला हो गया, तो दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि हम इस बच्चे की परवरिश और इसकी तरबियत इस तरीके से करेंगे कि बच्चे का ताल्लुक अल्लाह से पैदा हो जाए। बच्चा जो कुछ मांगे, जो कुछ सोचे, वो अल्लाह से मांगे और अल्लाह के बारे में सोचे, ऐसी हम तरबियत करें। उन्होंने मशवरा किया और एक तरकीब सोचा। क्या तरकीब सोचा? कि बच्चे को जब मदरसा से आता है तो बच्चे को भूख लगती है, तो उसके दिल में ये एहसास और ये अल्लाह की मोहब्बत बैठाने के लिए वो जब भी बच्चा आता तो ये काम करती कि बेटा तुम्हें भूख लगी है ना, तुम अल्लाह से मांगो। अल्लाह रोटी देता है, अल्लाह रिस्क देता है। हम अपने बच्चों को ये बात नहीं सिखाते। भाई सिखाते हैं? नहीं सिखाते। लेकिन वो एक माँ है, वो तरबियत दे रही है। बच्चा आया, माँ ने क्या किया, बच्चे के आने से पहले गरम गरम रोटी बनाया, अलमारी में छुपा के रख दिया। बच्चा आया, कहा अम्मी जान भूख लगी है। कहा कि बेटा रोजी अल्लाह देता है। बच्चे ने पूछा अम्मी रोटी भी देता है? कहा रोटी भी अल्लाह देता है, तो कैसे अल्लाह देगा? तो कहा बेटा तू मुसल्ला बिछा और 2 रकात नमाज पढ़ और अल्लाह से तू मान, अल्लाह तुझे रोटी जरूर देगा। अब वो बच्चा छोटा सा है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, अपनी मासूम मासूम हाथ को उठाता है और उठाकर कहता है ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मैं मदरसे से आया हूँ, मैं तेरा कुरान पढ़कर आया हूँ, ए अल्लाह मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे। थोड़ी देर दुआ करता है और चेहरे के ऊपर हाथ फेर लेता है तो अम्मी के इशारा करती है बेटा अल्लाह से मांग लिया ना, जा जरा उधर ढूंढ, उधर अलमारी वगैरह में कहीं अल्लाह ने तेरे लिए रोटी भेज दिया होगा। और वो जैसे अलमारी खोलता है, माने तो वहां रोटी रखा था गरम गरम, रोटी निकालता है और खा लेता है।
और ऐसे ही सो जाता है। फिर ऐसे ही गुजरते गुजरते कई महीने गुजर गए। एक मरतबा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि माँ किसी फंक्शन में चली गई, रिश्तेदारों के यहाँ चली गई, बच्चा मदरसा में है, माँ को याद नहीं रहा कि बच्चा मदरसे से आएगा, रोटी मांगेगा, मैं तो वहाँ हूँ नहीं, कैसे उसे रोटी मिलेगा। अब वो जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते आती है, रो रही है और दिल ही दिल में अल्लाह से मांग रही है, ए अल्लाह मैंने बहुत महीने उस पर मेहनत की, तेरी मोहब्बत उसके अंदर, तेरा यकीन उसके दिल के अंदर मैंने डाला, ए अल्लाह आज उसकी लाज रख ले, ए अल्लाह उसके यकीन टूटने ना पाए, तेरी मोहब्बत खत्म होने ना पाए। माँ आती है तो देखा बच्चा आराम से सोया हुआ है, आराम से सोया हुआ है। माँ आती है और चेहरे पर बोसा देती है, पेशानी को चूमती है, इतने में बच्चा उड़ जाता है। माँ के देखा कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कहा बेटा ने कि अम्मी जान आप क्यों रो रही है, कहा कि बेटा ऐसा ही रो रही हूँ, तूने खाना खाया, तुझे बहुत भूख लगी होगी, चल मैं रोटी पका देती हूँ, तुम हाथ धो ले। बच्चा कहने लगा अम्मी जान मैं तो खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खाकर सोया, लेकिन अम्मी जान एक बात अजीब देखी मैंने, आज जो रोटी मैंने खाई है, रोजाने के रोटी में जो मजा और जो टेस्ट था वो आज की रोटी में नहीं था, आज की रोटी में तो कुछ अजीब ही टेस्ट था, कुछ अजीब ही मजा था, बहुत मजा आया। मेरे अजीजों और दोस्तों ये रोटी कहां से आई थी, ये अल्लाह ने जन्नत से भेजी थी। जब माँ ने अपने बच्चे की तरबियत की, उसके दिल में अल्लाह का यकीन पैदा किया, तो अल्लाह का ये निजाम हमारे घरों में भी आ सकता है, लेकिन हम कोशिश तो करें। एक वाकया ये हो गया, वक्त ज्यादा हो रहा है, बस आखिरी वाकया, ऐसे तो बहुत कुछ सोचकर आया था कि आधे घंटे कम से कम आपको कुछ ऐसी नसीहत, माँ बहनों को ऐसी बातें बताऊं जो वो अपने बच्चों की तरबियत शुरू कर दे, कि बच्चे की तरबियत कैसी की जाती है। बस आखिरी वाकया, बहुत जबरदस्त वाकया है, ध्यान से आप सुनना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत जबरदस्त बुजुर्ग गुजरे हैं, कैसे अल्लाह वाले हैं, कैसे बुजुर्ग हैं, लिखा है किताबों के अंदर कि रात को खड़े होते हैं नमाज के लिए, दो रकात नमाज पढ़ते हैं और फिर सलाम फेरते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तेरी मंशा के मुताबिक मैंने दो रकात नहीं पढ़ी, फिर दो रकात पढ़ते हैं, यहाँ तक के पढ़ते 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 सुबह की अजान हो जाती है और जब फारिग होने जाते हैं तो पेशाब की जगह पर खून निकलता है, इसलिए कि उन्होंने पूरी रात मेहनत की, पूरी रात नमाजें पढ़ी, उसके बावजूद कहते हैं कि ऐ अल्लाह मैंने तेरी मंशा के मुताबिक दो रकात मैंने नहीं अदा की। ये है बायजीद बुस्तामी, लेकिन बने कैसे हैं, ये बायजीद बुस्तामी कैसे बने। फरमाया कि जब बायजीद बुस्तामी करीबन 12-13 साल के हो गए, अब माँ को फिक्र हुई क्योंकि बाप का इंतकाल हो गया था कि इस बच्चे की तरबियत कैसे की जाए, अगर छोड़ दिया जाए तो बच्चों में इधर उधर खेलेगा, उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लोगों ने बताया कि यहाँ पास में एक मदरसा है, बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं, वहां पर जो बच्चा जाता है वो अल्लाह का वली बन जाता है, तुम उनको वहीं पर छोड़ दो। माँ जाती है, उस्ताद साहब से मिलती है और कहती है कि उस्ताद साहब मैं बेवा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं घर घर कमाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, झाड़ू धोकर मैं कमाती हूँ, मैं इस बच्चे को लाई हूँ, ए उस्ताद साहब इस बच्चे को तो आप अल्लाह का वली बना दे। और जाते जाते कहने लगी कि उस्ताद साहब मेरी एक बात याद रखिएगा, इस बच्चे को उस वक्त छुट्टी दीजिएगा जब ये अल्लाह का वली बन जावे। मेरी माँ बहनों जरा अपने सीने पे हाथ रख कर सोचो कि एक बेवा माँ अपने बच्चे को मदरसे में छोड़कर आ रही है और ये कह रही है कि जब ये अल्लाह का वली बन जावे तब इसे घर वापस भेजना। और कहा कि उस्ताद जी ये छोटा सा बच्चा है, ये इसने कभी घर नहीं छोड़ा, माँ से अलग नहीं हुआ, माँ की बहुत याद आएगी उसको, घर याद आएंगे, लेकिन ये छुट्टी मांगेगा आपसे, उस्ताद जी इसको छुट्टी मत देना, इसको अल्लाह का वली बनाकर ही घर भेजना। माँ कहकर चली आई। उस्ताद जी सोचने लगे कि भाई माँ से मैंने वादा किया है, मैं उसी
के ऊपर कायम रहूंगा। कुछ दिन गुजरा, एक महीने गुजर गए, बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन एक महीने के बाद उसे माँ की बहुत याद आनी शुरू हो गई, घर की याद आनी शुरू हो गई। अब वो उस्ताद जी के पास जाता है, उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं माँ के पास मिलकर आ जाऊंगा। माँ से बहुत मोहब्बत करता था कि माँ की याद आ रही है, घर की याद आ रही है। अब उस्ताद जी परेशान कि मैं अगर बच्चे को मना करता हूँ, बच्चे का दिल टूटता है, बच्चे को अगर छुट्टी देता हूँ तो फिर माँ का किया हुआ वादा टूटता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो परेशानी में हूँ। उस्ताद जी ने अल्लाह से लौ लगाया, अल्लाह से दुआ मांगी, ये अल्लाह तू रास्ता दिखा दे, कोई बीच का रास्ता बता दे। फौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, उनके दिल में एक बात आई, कहा कि अच्छा बेटा एक काम करो, मैं ये सबक देता हूँ। और जानबूझकर उस्ताद ने ज्यादा सबक दिया, और इतना सबक दिया कि उस्ताद को ऐसा था कि ये याद नहीं कर पाएगा, सबक ज्यादा दिया। और कहा कि बेटे शाम तक ये सबक याद करके जब तुम सुना दोगे तुम्हें मैं छुट्टी दे दूंगा। हाँ, सबक दे दिया और बच्चा खुशी खुशी चला गया। और जाने के बाद वो दिल में कहने लगा, तो मैं जानता हूं कि उस्ताद जी ने सबक ज्यादा इसलिए दिया है कि वो छुट्टी देना नहीं चाहते, लेकिन वो भी तो लड़का था, उसको अल्लाह ताला ने पहले से चुन लिया था अपने ओली के लिए, विलायत के लिए चुन लिया था। उसने भी दो रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपनी मासूम मासूम हाथों को अल्लाह की तरफ उठाया और कहा कि अल्लाह मैं जानता हूं कि ये सबक बहुत ज्यादा है, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है कि अल्लाह, लेकिन तेरी कैपेसिटी से तो ज्यादा नहीं है, तू तो कादिर मुतलक है, तू तो बड़े बड़े मुश्किलों को आसान कर देता है। ए अल्लाह मुझे माँ की मोहब्बत है, माँ मुझे याद आ रही है, मेरा घर याद आ रहा है, ए अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता, तेरी किबरियाई का वास्ता, ए अल्लाह तेरी मुश्किल किशाई का वास्ता, ये सबक मुझे याद हो जाए ताकि उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दें और मैं घर चला जाऊं, माँ को एक नजर देख लूं। दुआ मांगा है और फिर रब्बी यस्सिर वला तुस्सिर पढ़ के फिर उसने शुरू कर दिया सबक याद करना। जो सबक याद किया है अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक सबक पानी जैसे याद कर लिया, अल्लाह ने याद करा दिया। अब उस्ताद के पास गया, उस्ताद जी मुझे याद हो गया। अब वो सुनाना शुरू किया, उस्ताद जी का कहना यह था कि पूरा सबक सुना दिया लेकिन एक जबर जेर नुक्ते की भी गलती नहीं, एकदम पक्का सुनाया। उस्ताद जी समझ गए इसका मामला कुछ अलग है, इसका मामला अल्लाह के साथ डायरेक्ट है, कोई मामूली लड़का नहीं है। कहा कि बेटा जा जा माँ से मिल कर आओ। अब ये छोटा सा बच्चा, नन्ना सा बच्चा, अब खेलता कूदता एकदम उछलता हुआ और प्रोग्राम बनाता हुआ, मैं से जाऊंगा और जाकर इस तरीके से माँ को पुकारूंगा, फिर माँ खोलेगी दरवाजा और पीछे से मैं आंख बंद कर लूंगा, फिर माँ ऐसे खिलाएगी, ये पूरा प्रोग्राम बनाया और दिल ही दिल में ये पूरा प्रोग्राम बनाकर गया। जैसे दस्तक दी, माँ किसी काम में थी, एक बार दो बार तीन बार जब दस्तक दी है, दरवाजे पर आवाज दी, फिर प्यार से बोल रहा है कि अम्मी मैं तुम्हारा बायजीद हूं। जब कई बार बोला कि मैं तुम्हारा बायजीद हूं, माँ ने कहा कि कौन बायजीद, मेरा बायजीद नहीं हो सकता है, मेरा बायजीद तो उस वक्त आएगा जब वो अल्लाह का वली बनकर आएगा, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता है। माँ के जुबान से ये जो बात सुननी थी, उस बच्चे का दिल मचल गया और वो समझ गया कि माँ मुझे अंदर दाखिल नहीं होने देगी, अब मुझे तो वापस ही जाना है। अब वो रोता हुआ, पूरे के पूरा चेहरा जो सूज गया है, आंखें लाल हो गई है और आंसू के पूरे बरसात हो रहे हैं, रोते रोते गया। उस्ताद जी ने देखा, कहा कि कुछ मामला गड़बड़ है। पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या मामला हुआ? कहा कि बस क्या बताऊं उस्ताद जी, अच्छा भी नहीं लगता बताना। कहा कि बेटा बताओ तो सही। कहा कि माँ ने घर में दाखिल होने नहीं दिया और कहा कि तू मेरा बायजीद नहीं है। मैं समझ गया कि माँ मुझे अल्लाह के वली बनने से पहले मुझे स्वीकार नहीं करेगी, घर में दाखिल होने नहीं देगी। उस्ताद जी ने पूछा, बेटा तू माँ से नाराज होकर तो नहीं आया, माँ से नाराज होकर तो नहीं आया? उसने कहा कि दिल तो बहुत दुखा है,
तकलीफ तो बहुत हुई है लेकिन मैं माँ से नाराज नहीं हुआ है। कोई बात नहीं उस्ताद जी, मैं आज आपके हाथ पर वादा करता हूँ कि जब तक मैं, मुझे अल्लाह ने वली नहीं बना दिया उस वक्त तक मैं घर की कभी याद नहीं करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा पढ़ने लगा। काफी वक्त हो गया, तकरीबन बच्चे की उम्र 22 साल की हो गई, करीबन 12-13 साल की उम्र में गया था। 22 साल की उम्र में उस्ताद जी सोए हुए थे, ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद जी को कहा कि भाई देखो बायजीद जो है इस काबिल हो गया है कि उसको तुम खिलाफत दे दो, उसको अल्लाह के वली बना दो, वो अल्लाह के वली बन चुका है। ख्वाब में ज़ियारत हुई, अल्लाह के रसूल ने बशारत दी। उस्ताद जी उठे हैं और बहुत खुशी के साथ बच्चे के पास गए, बच्चा तुम जाओ घर, तुमको अल्लाह ने वली बना दिया, अब जाओ, तुम्हारी अब यहां जरूरत नहीं है। अब बच्चा हंसी खुशी में कूदते उछलते, बोले अब मजा आएगा, अब अम्मी मिलेंगी। अब वहां अम्मी को भी अल्लाह ताला ने किसी जरिए से खबर दे दिया कि वो तुम्हारा बेटा आ रहा है। अब ये गया और आवाज दिया, अब पहली ही आवाज में अम्मी ने कहा कि मेरा बायजीद आ गया है, मेरा बायजीद आ गया है, बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, अम्मी हाथों में तस्बीह रखी थी, अल्लाह का जिक्र कर रही थी और पूरे अपने पूरे इसमें लपेट लिया उसको, बच्चे को, और गोद में उठा लिया और इतनी खुशी, मतलब गोद में उठाने का मतलब ही नहीं कि जैसे बच्चे को उठा लेते हैं, जैसे एक माँ है अपने बच्चे से जो लिपट जाती है, चिमट जाती है, क्योंकि वो तो बड़ा हो गया था, गया था इतना छोटा और अभी 22 साल का जवान हो गया है। माँ ने कहा कि बेटा थोड़ी देर बैठ जा, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा कर दूं जिस अल्लाह ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी और तेरे बाप की भी तमन्ना पूरी कर दी। दो रकात नमाज पढ़ी है, बच्चे को बिठाया है और अल्लाह से रो रो के दुआ की, ए अल्लाह मैं तेरा खूब शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मेरे बच्चे को मेरा जो मंशा था उसके मुताबिक तू अपना वली बना दिया। फिर अच्छे से उसके मनपसंद खाना बनाया और फिर खिलाया। तो मेरे माँ और बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे को 12 साल 14 साल तक अपने से दूर रखा, तब जाके अल्लाह ने इसको अल्लाह का वली बनाया। और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास रहे हमेशा, हमारे आंखों के सामने, नजरों के सामने, तो फिर वो अल्लाह का वली कैसे बन सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, आज भी अल्लाह का वली पैदा हो सकता है, शर्त यह है कि आप अल्लाह की वली बन जाओ, बच्चों की सही तरबियत करो। बच्चा माँ के गोद में है, लोरी अगर गाती हो तो गाना न गाओ, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। इस पे बहुत सारे वाकयात में सोच कर आया था, बहुत सारे वाकयात में सुना भी सकता था, लेकिन 10:08 हो गया। फिर किसी मौके पर कोई मौका आएगा तो मैं बताऊंगा। खास तौर पर मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, अपने भाइयों से कहूंगा कि अपने बच्चे का, हम दुनिया का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं, दीन का ख्याल हम कम रखते हैं। इसलिए देखिए, दुनिया की जो तालीम है, अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ाना, ये हमारा मकसद नहीं है, ये जरूरत है, लेकिन कुरान की तालीम जो है ये हमारा मकसद है। और मैंने मीटिंग में भी बताया था कि अभी जो नया तालीम का जो एजेंडा आया हुआ है, सेकुलर आए हुए हैं, वो इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि अगर हमारा बच्चा और हमारी बच्ची अगर सिर्फ स्कूल में जाते रहे, सिर्फ कॉलेज में जाते रहे और आपने मकतब में नहीं भेजा, तो याद रखिए एक वक्त आएगा ये बच्चे जब जवान होंगे, वो देखने में मुसलमान नजर आ रहे होंगे, अंदर से उनका ईमान खत्म हो जाएगा। इनकी ये पॉलिसी चल रही है, इसलिए मुसलमानों बेदार हो जाओ, गफलत के चादर को खत्म करो और अपने बच्चियों की तालीम के लिए, यानी दीनी तालीम के लिए, कुरान के तालीम के लिए आप फिक्रमंद हो जाओ। मैं खास माँ बहनों से कहूंगा, अच्छे तरीके से तहजीब दे, मदरसे में वक्त के ऊपर भेजें, यूनिफॉर्म के धोकर भेजें, जैसे स्कूल में भेजते हैं साफ करके, अस्तरी करके, एकदम बेहतरीन, ऐसे ही मदरसे में भेजें। और फिक्र रखें, बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा, सबक उसका हुआ या नहीं हुआ, जैसे स्कूल की फिक्र हम करते, होमवर्क किया या नहीं किया,
और छोटी छोटी बातों की वजह से बच्चों की गैरहाजिरी न करें। अगर आपके बच्चे को आप चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद ये बच्चा मेरे लिए जखीरे आखिरत बने, मैं अक्सर कहता हूं, कभी गुस्से में भी कह देता हूं बच्चों को और वालिदैन को भी, कि आप सुबह से शाम तक स्कूल ट्यूशन करते हो, अगर खुदा ना करे आपका इंतकाल हो जावे और बच्चा जाहिर है दीनी एतबार से, वो चाहे वो कलेक्टर है इंजीनियर है, तो आपके मरने के बाद क्या वो एक कुलवल्ला पढ़ के आपको सवाब पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है। वो दूसरों का मोहताज होगा, दूसरों को किराए पर बुलाएगा, पैसा देगा और कहेगा कि जरा पढ़ दो, वो भी पैसे के लिए आएंगे और पैसे के लिए कुरान पढ़ेंगे, ना उनको सवाब मिलेगा ना उस माँ बाप को सवाब मिलेगा जिन्होंने कमा कमा कर लाखों रुपया खर्च करके इस बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, होटल मैनेजमेंट सिखाया, दुनिया की सारी चीजें सिखाई। याद रखें, कुरान में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा और ये बच्चा आपका गिरेबान पकड़ेगा और अल्लाह के सामने कहेगा, ए अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे बाप ने मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, मुझे डॉक्टर बनाया, मुझे दुनिया की सारी तालीम इसने दी, ऐ अल्लाह इसने मुझे दीन की तालीम नहीं दी, कुरान की तालीम नहीं दी, ऐ अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे बाप को पकड़ो, मेरी माँ को पकड़ो और इनको जहन्नम में डालो, मुझे छोड़ दो। उस वक्त क्या होगा? ये कोई कहानियां नहीं है, ये कुरान में है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, वक्त अब नहीं लूंगा आपका ज्यादा, बस दो चार पांच मिनट कुछ सलाम है। मैं एक सलाम ऐसा पढ़ता हूं, आपने बहुत सारे सलाम सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, लेकिन इस सलाम के अंदर सीरत है, किसी और की तारीफ नहीं है, इसमें फकत अल्लाह के रसूल की तारीफ है। इसलिए ये सलाम आप सुन ले, उसके बाद मुख्तसर दुआ होगी, इंशाअल्लाह बात खत्म कर दी जाएगी। मुस्तफा शान रहमत पे खरब सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे खरब सलाम, उनकी पाकी जसीरत पे अरब सलाम। मुस्तफा शान रहमत पे खरब सलाम, जो ना भूलेंगे उम्मत को महशर के दिन, ऐसे सरदार सरवर पे बेहद सलाम। मुस्तफा शान रहमत पे खरब सलाम। ये रजब का महीना चल रहा है, बहुत से उलमा के अकवाल के मुताबिक इस महीने में मेराज हुई है, उसी के मुताल्लिक इस सलाम में कहा गया है, उसको बगौर समाज फरमाए। जिनको मेराज में हक की कुर्बत मिली, सारे नबियों की जिनकी इमामत मिली, और खैरुल उमम जिनको उम्मत मिली, और शफात की जिनको इजाजत मिली, उस नबी की नबुवत पे खरब सलाम। मुस्तफा शान रहमत पे अरब सलाम। अल्लाह के नबी सरदारे अंबिया थे, आपके यहाँ अगर चाहते तो किसी चीज की कमी नहीं होती, उसके बावजूद मिस्कीनों और गरीबों जैसी जिंदगी गुजारी, उसको शायर बयान कर रहा है। जिनके घर में महीनों ना चूल्हा जला, मरते दम जिनके घर में
दिया तक न था, उनकी दादो दहिश का कहूँ हाल क्या। सीमो जर के दिए जिसने दरिया बहा, कोई महरूम दर से नसाइल गया। उस नबी की सखावत पे खरबो सलाम, मुस्तफा शाने रहमा पे अरबो सलाम। बस आखिरी ये जो आखिरी दो चार शेर हैं जो नक्शा खींचते हैं ताइफ का, इसलिए ताइफ के वाकयात को आप ज़हन में रखें। खूने कबशा मुबारक में तलवे जमे, उनके चोटों से पांव फटने लगे। यानी जब ताइफ गए थे दीन की दावत देने के लिए तो वहां के अहबाशों ने आपके ऊपर पत्थर मारा जिसकी वजह से खून बहे और पूरा के पूरा जो तलवा है पैर जो है वो जूते के साथ चिपक गया बिल्कुल। उसी को शायर कह रहा है, खूने कबशा मुबारक में तलवे जमे, उनके चोटों से पांव फटने लगे। इतना सब होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने क्या सबक दिया? उनके हक में दुआ आप यूं करने लगे, इनको अपनी तू रहमत से खुदा बख्श दे। मेरे मौला ये रुतबा किसी का नहीं, इस कदर रहमत राफत पे खरबो सलाम, मुस्तफा शाने रहमत पे बेहद सलाम। अल्लाहु सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। एक छोटा सा ऐलान कर दूं कि इंशाअल्लाह दुआ के बाद अजान होगी और ऊपर नमाज होगी और खाने का इंतज़ाम किया गया है, इसलिए तमाम हजरात खाना खाकर जाए और हमारी जो पर्दा नशीन बहनें हैं उनके लिए कुछ ठंडा वगैरह का इंतज़ाम किया है जो हमारे मुंतजमीन वहाँ तक पहुँचा देंगे। इसलिए हर आदमी चाहे वो बच्चा हो, मदरसे का बच्चा हो या बच्ची हो या कोई भी जो भी इस जलसे में आए हैं जो जेंट्स हमारे हैं, बग़ैर खाए कोई ना जावे, खाना खा कर जावे। और ये जो खाना है ये हमारे 9 बच्चे जो जिनका कुरान ख़त्म हुआ है ये दावत उनके तरफ से है, इसलिए आप उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह उनके कुरान पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह उनको खूब तरक्यात से नवाजें। हाँ भाई, हमारे नौजवान दोस्तों से गुजारिश है कि पहले बच्चों को हम खिला देंगे, क्यों बच्चे छोटे छोटे हम थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चे जब खाना खा लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह आपकी बारी होगी। और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ हमारे कारी साहब का और हमारे हाफिज़ शाही साहब का, मौलाना अब्दुल्ला साहब का, कि अपने कीमती वक्त को खर्च करके सर्फ करके यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने भी हमारे सामीन हैं, पेरेंट्स हैं और हमारी माँ बहनें हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये टाइम उनका खाने बनाने का और खाने का होता है, ऐसे वक्त को उन्होंने कुर्बान करके सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं दुआ करता हूँ आप सब आमीन कहो कि ऐ अल्लाह आज का इनका आना इतना कबूल फरमा कि इनके नस्लों में दीन का दाई बना दे अल्लाह, और इनके नस्लों में अल्लाह हाफिज़े कुरान बना देवे। और इसी तरीके से हमारे जो साथी हैं इरफान भाई, तबरेज़ भाई, उस्मान भाई, ताहिर भाई, हमारे हाफिज़ आशिक इलाही हैं, कुतुबुद्दीन भाई, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका नाम गिनवाऊंगा तो वक्त हो जाएगा, जितने लोगों ने इस जलसे के अंदर जिस एतबार से, पैसे से, वक्त से, अपनी
गाड़ी कमाई के खर्चे से जैसे भी ताउन किया है, हम सब का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हमारे साथ जोड़े रखे, आपस में मोहब्बत रखे, मुवद्दत रखे, और अल्लाह ताला इस दीन के बदौलत आखिरत में उनको इससे बेहतरीन बदला अता फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إله العالمين إله العالمين، هم كمزور بندے ہیں، هم گنہگار بندے ہیں، هم نے بہت گناہ کیا ہے، دن کے اجالے میں بھی کیا ہے، रात के अंधेरे में भी किया है। ए अल्लाह, तेरी नेमतों को खाते रहे, तेरे नेमतों को इस्तेमाल करते रहे। ए अल्लाह, हमने बहुत जुल्म किया है अपने ऊपर, ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कोई अपने काम धंधा को छोड़ कर आया है, ए अल्लाह ये माँ बहनें जो इनका ख़ास वक्त होता है खाना बनाने का, खिलाने का, अपने शौहर की खिदमत करने का, बच्चों की खिदमत करने का, ए अल्लाह इनका कोई और मकसद नहीं था, फ़कत तेरे लिए, तेरे दीन के लिए यहाँ पर आई हैं और 2.5 से 3 घंटे तक बैठी रहीं, ये तेरे दीन को सुनती रहीं। ए अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, इनका आना कबूल फरमा, इनका बैठना कबूल फरमा। ए अल्लाह इनकी जितनी भी जायज़ मकसदे हैं, जायज़ तमन्नाएँ हैं, ए अल्लाह सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह इनके बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं, उन्हें कबूल फरमा ले और उनको खूब तरक्यात से नवाज दे, उनके सीने को इल्म दीन के लिए खोल दे, उनके जहन को इल्म दीन के लिए खोल दे। ए अल्लाह दीन का दाई हाफ़िज कुरान कोई आलिमा आलिम बना दे। ए अल्लाह दीन की हिफाजत फरमा, कुरान की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो मंसूबे मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ बन रहे हैं, ए अल्लाह उसे तो पाश पाश फरमा दे, ए अल्लाह उसे ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह सबको दीन की हिदायत अता फरमा, सबको सच्चा और पक्का नमाजी बना। ए अल्लाह तेरे प्यारे हबीब का सच्चा आशिक बना, तेरे नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में जागुजी फरमा। ए अल्लाह तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह ऐसे काम करा जिससे तू राजी होता है, ए अल्लाह जिससे तू नाराज़ होता है, ऐसे कामों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह माँ बहनों को भी नमाज, उनकी नमाज की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह उनके हर अमल को कबूल फरमा। ए अल्लाह तमाम भाई यहाँ मौजूद हैं, न जाने उनके दिल में क्या क्या तमन्नाएँ हैं, ए अल्लाह जो जो तमन्नाएँ हैं अल्लाह उसको जायज़ हो तो पूरा फरमा। ए अल्लाह ये बहुत बड़ा मुसीबत हमारे ऊपर आया था जो टला है, और न जाने आइंदा भी ऐसा महसूस हो रहा है आवे कि ना आवे, ए अल्लाह तू बेहतर जानता है। ए अल्लाह बड़े बड़े लोग इस हादसा से टूट चुके हैं, कितने नौकरियों से दूर हो गए हैं, जो बेघर हो गए हैं, ए अल्लाह आज नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ए अल्लाह हम जानते हैं कि हमारी गुनाहों की बदौलत है, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, रहम का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे। ए अल्लाह गफ्फारी का मामला फरमा, सत्तारी का मामला फरमा। ए अल्लाह ए रहम राहमीन, ए राहम मसाकीन, या दल कुव्वतिल मतीन, या रहमान या रहीम, या सत्तार या गफ्फार, या दल जलाल वल इकराम, हमारी हालत पर रहम फरमा। ए अल्लाह हमारी हालत पर रहम फरमा। ए अल्लाह तेरे महबूब ने इस उम्मत के लिए बहुत मेहनतें की है, बहुत तड़पे हैं, ताइफ में मार खाया है, पेड़ पर पत्थर बांधा है, और गज़वे उहद में दंदाने मुबारक को शहीद कराया है। ए अल्लाह इस उम्मत के लिए तेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी पूरी रात मांगा है, रोया है। ए अल्लाह
तेरी महबूब नबी की ये महबूब उम्मती आज परेशान हाल है और परेशानियों से दो चार हो रही है। अल्लाह चारों तरफ से दुश्मन नोरे लगार किया है, घेर लिया है। अल्लाह तू हिफाजत फरमा, अल्लाह तू हमारे मददगार बन जा, अल्लाह तू हमारे हामी और नासिर बन जा। ए अल्लाह सबका आना बैठना कबूल फरमा, कहना सुनना कबूल फरमा और कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआ को महज अपने फजल व करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया कराम, असहाबे बदरीन और असहाबे कराम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर خلقه محمد وعلى آله وصحابه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا هر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق